ये आप लगा के 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए, फिर इसको रिंस कर लीजिए कोल्ड वाटर से। ये आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉम ब्यूटी शाइनी, और मैं हूँ शाइनी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतरे के छिलके के बारे में। संतरे के छिलके को यूज़ करके कैसे हम चमकदार और जवा त्वचा पा सकते हैं, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पर वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है, जो बेल बटन है, वो भी आप प्रेस करना ना भूलिएगा, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग एक संतरा लीजिए, संतरा को छील लीजिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके प्लेट में दे दीजिए। इसका जो कवर होता है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए। इसमें ऑरेंज के पिल में रहता है विटामिन सी, जो आपके स्किन विटामिन सी, और रहता है सेट्रिक एसिड, जो आपके स्किन को एक्ने फ्री करता है और रिफ़्रेश करता है, और आपके स्किन को भी फर्नेस देता है, फर्म कर देता है। ऐसे छोटे छोटे करके आप संतरे के छिलके को ऐसे ये प्लेट पे रख दीजिए। फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। वो ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, जो ग्रैन्यूल्स है। इस ग्राइंडिंग ऑरेंज को आप मैं 3 प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कैसे आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगा। मैं 3 प्रोसेस दिखाऊंगी। फर्स्ट प्रोसेस है रोज वाटर प्रोसेस। चलिए देखते हैं। पहले आप एक कटोरी लीजिए, उस पे आप रोज़ वाटर डालिए। मैं लोटस का रोज वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप इधर रोज वाटर दीजिए थोड़ा। थोड़ा रोज़ वाटर ले लिया। फिर इसके बाद ये जो ग्राइंडिंग ऑरेंज का पील है वो ये लीजिए थोड़ा इधर। और इसको अच्छे से इधर मिक्स कीजिए। और थोड़ा मिला लीजिए, मेरा थोड़ा सूख गया है। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इसको आपके फेस पे लगा दीजिए। फिर आप ये वाला मिक्सचर आपके फेस पे लगा दीजिए, ऐसे करके लगा दीजिए। थोड़ा ग्रैन्यूल्स है, आप थोड़ा ऐसे करके सिर्फ लगा दीजिएगा, ऐसे करके अच्छे से लगा दीजिए।
ये आप हफ्ते में एक दो बार यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये आपके स्किन को रिफ़्रेश करेगा और ग्लोइंग स्किन देगा। आप ऐसे करके लगा के ऐसे सब से लगा दीजिए, चिपका दीजिएगा, ठीक है? तो ग्रैनुल्स है ना, से करके चिपका दीजिएगा। फिर आप इसको 10 से 15 मिनट ऐसे रख के सुखा के इसको कोल्ड वाटर से धो दीजिएगा। एक कटोरी में आप थोड़ा ये ऑरेंज का पील ले लीजिए, फिर आप इसमें थोड़ा दही, दही तो स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग का एक एजेंट है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ग्लो देता है और स्किन और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है ये दही में। और थोड़ा हनी ऐड कर लीजिए। से करके आप ऐड कर लीजिए थोड़ा हनी। हनी भी मॉइस्चराइज करता है, हनी में भी आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है और ये कैल्शियम और विटामिन सी भी रिच है जो आपको स्किन को एक अच्छा ग्लो देता है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप आपके फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। अच्छे से एकदम तीनों मिक्स कर लीजिए। सब मिक्स होने के बाद आपको ऐसा देखेगा मिक्सचर। फिर दही और ऑरेंज पील का मिक्सचर आप आपके फेस पे ऐसे तरह लगा लीजिए, अच्छे से पूरे फेस पे, अपने गले पे भी लगाना ना भूलिए। ये आप लगा के 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए, फिर इसको रिंस कर लीजिए कोल्ड वाटर से। ये आप हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप 2 या 3 बार यूज़ करके देखिए, आपके स्किन को चमकदार बना देता है, बहुत ही ग्लोई बना देता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही है, आप लोगों को आसानी से मिल भी जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे थर्ड प्रोसेस के लिए आप एक कटोरी लीजिए, उस पे आप ऑरेंज पील को दे दीजिए, ऑरेंज पील को दे दीजिए और उस पे आप मिल्क ऐड कर दीजिए। 2 या 3 टेबलस्पून आप मिल्क ऐड कर दीजिए। अच्छे से इसको मिक्स करके आप
मिल्क तो बहुत ही हेल्दी है स्किन के लिए, वो आपके स्किन को रेडिएंट करता है और मिल्क कैल्शियम रिच है, इसलिए आपके स्किन को बहुत ही ग्लोई और बहुत ही सुंदर करता है। फिर आप इसको ऐसे हाथ से मिक्स कर लीजिए। ऐसे आपको मिक्सचर दिखेगा। जो मिल्क और ऑरेंज पील का जो पेस्ट है, आप इसको लेके ऐसे अपने फेस पे लगा दीजिए अच्छे से। ये आपको स्क्रबिंग, आप ये सारे आपके होल बॉडी में भी आप ये वाला पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये आपको त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, रेडिएंट करता है और बहुत ग्लो देता है, आप देख सकते हैं। ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको। ऐसे लगा के आप 10 से 15 मिनट तक रख के आप इसको रिंस कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे त्वचा को बहुत ही ग्लो दे रहा है, ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है आप लोगों को। मेरा स्किन बहुत ही ग्लो कर रहा है, बहुत सॉफ्ट और सफल हो रहा है। ये तीनों प्रोसेस मैं आपको 100% बोल रही हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके स्किन के ग्लो के लिए। ये तीनों प्रोसेस आप घर में यूज़ कर सकते हैं और तीनों प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपके घर में ही सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को मिल जाएगा। और हाँ, कौन से प्रोसेस आपके स्किन पे आपके स्किन को अफेक्ट किया है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। और हाँ, मेरे चै और अगर आपको आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ 100 लाइक्स दे दीजिएगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।